गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम एकता और आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ आपके साथ मीशो विंटर वेयर हॉल अंडर 500 रुपीज़। तो जितने भी आइटम्स मैं यहाँ पे शेयर करूँगी, इसमें कुछ स्वेटशर्ट हैं, नाइट सूट्स हैं और यू नो विंटर टॉप्स हैं। तो पूरा ये विंटर हॉल है लेकिन ये अंडर 500 रुपीज़ है। सबके लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे इन केस यू वॉन्ट टू बाय एनी प्रोडक्ट। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं इस हॉल को। सबसे पहले आई गॉट दिस पर्पल कलर की स्वेटशर्ट कम हुडी एंड इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी। एंड इसका प्राइस था अंडर 500 है, तो इसका प्राइस आई थिंक 469 रुपीज़ था, आपको स्क्रीन पे मेंशन हो जाएगा। एंड लुक एट दिस हुडी गाइस, इस पे ये एनिमीज बने हुए हैं। ओवरसाइज स्वेटशर्ट है लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी मुझे इसके प्राइस रेंज के हिसाब से। मतलब मेरी तरफ से ये मस्ट बाय प्रोडक्ट है अगर आप मीशो से कोई भी अफोर्डेबल स्वेटशर्ट चाह रहे हैं तो। यू कैन सी कि बहुत ही अच्छा मटेरियल है अंदर का भी, जो कि आपको काफ़ी वार्म रखेगा सर्दियों के सीजन में। एंड इसमें आपको हुडी भी मिलती है, साथ में आपको पॉकेट्स भी मिलती है। तो 500 के अंदर आपको इतनी अच्छी हुडी मिल रही है प्लस इतनी अच्छी क्वालिटी के साथ, तो मुझे लगता है आपको ये ज़रूर खरीद लेनी चाहिए। एंड अगर आपको ये पसंद आती है, आप खरीदना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप अभी लिंक पे जाके खरीद लें, क्योंकि मीशो पे ना तुरंत के तुरंत प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होते हैं। मेरे लिए भी कई बार बहुत आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं प्रोडक्ट्स, जिनको मैं विशलिस्ट में डाल देती हूँ लेकिन फिर मिलते ही नहीं हैं क्योंकि वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। एंड आजकल यू नो विंटर वेयर का ही चलन है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स कम प्राइस पर जो मिलते हैं मीशो पर, वो बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक होते हैं। इस पर काफ़ी अच्छी रेटिंग्स भी थी, तो हमेशा रेटिंग्स देख के लें आप चीज़ें, लेकिन इसकी क्वालिटी सच में बहुत अच्छी है। एंड इसका जो प्रिंट वगैरह है सब कुछ बहुत अच्छा है, बिल्कुल चीप क्वालिटी की नहीं लगती है, तो मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है। नेक्स्ट अगेन मेरे पास एक स्वेटशर्ट है जो कि एक क्रॉप्ड स्वेटशर्ट है एंड दिस इज ब्लैक कलर स्वेटशर्ट, जिसपे कि आपको ऐसे बटरफ्लाई मिल जाती है प्रिंट, बहुत ही क्यूट सी। एंड दिस इज़ ऑल्सो ए हुडी यू कैन सी, बस इसमें पॉकेट्स नहीं है आई थिंक। हाँ, तो पॉकेट्स नहीं है, ये इसका डाउन पॉइंट है। क्रॉप्ड है तो आप इसे हाई वेस्ट कोई भी वाइड लेग जीन्स या फिर फ्लैट जीन्स के ऊपर पहनोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। आप आ जाते हैं इसके फैब्रिक पे, तो इसका फैब्रिक अगेन ये फ्लीस वाला फैब्रिक है, अंदर से बाहर कॉटन का है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो मैंने पहले स्वेटशर्ट दिखाई थी उसका फैब्रिक हल्का सा थिक है इससे, तो इसमें शायद आपको ठंड लग सकती है। वैसे तो दोनों का मटेरियल सेम सा ही है लेकिन ये हल्का सा थिन है उसके कंपैरिजन में, लेकिन प्राइस का भी फ़र्क है, ये हल्का सा सस्ता है उससे, तो ये और भी ज़्यादा सस्ती मिल रही है। तो प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग मुझे दोनों ही स्वेटशर्ट बहुत ज़्यादा अच्छे लगी। आप इसे पहन सकते हो लेयरिंग करके भी अंदर वार्मर पहन के, कॉलेज के पर्पज से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर आप कॉलेज गोइंग हो और आप अपने लिए अफोर्डेबल स्वेटशर्ट देख रहे हो तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इतने प्राइस में आपको इससे अच्छी क्वालिटी तो नहीं ही मिल सकती है, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, तो मेरी तरफ से ये भी हाईली रिकमेंडेड है। नेक्स्ट आई हैव इज दिस रेड कलर का वेरी ब्यूटिफुल हाई नेक टॉप। ये बिल्कुल हाई नेक नहीं है लेकिन यू कैन सी हल्का सा है, तो मुझे इतने तो हाई नेक चल जाते हैं, ज़्यादा हाई नेक मुझे पसंद नहीं है, मुझे घुटन सी होती है, इतना मेरे को सही लगता है। इसका फैब्रिक कॉटन रिब्ड है तो काफ़ी कंफर्टेबल है वेयर करने में, इसकी थिकनेस भी काफ़ी अच्छी है और आप इसको सर्दियों में लेयरिंग के अंदर पहन सकते हैं। यू नो जब हम कोट वगैरह ब्लेजर वगैरह पहनते हैं तो उनमें ऐसे टॉप्स काफ़ी काम आते हैं, ऐसे बेसिक से टॉप जो कि आप लेयरिंग में पहन सको वो तो होने ही चाहिए। इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, आप अपने अकॉर्डिंग खरीद सकते हैं कोई भी। मेरे पास रेड कलर में नहीं था तो मैंने ले लिया, इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके प्राइस रेंज के हिसाब से अंडर 300 है, आई थिंक 300 के अंदर भी नहीं है, 200 के अंदर है ये, विच इज़ अ स्टील डील। इतना तो सरोजिनी नगर में ही सस्ते मिल सकते हैं, तो क्वालिटी के हिसाब से प्राइस के हिसाब से दिस इज़ दी मस्ट बाय टॉप। नेक्स्ट अगेन आई हैव अ ग्रेट पीस जो कि है, ये विंटर टॉप ही है लेकिन दिस इज़ ऑफ
फर मटेरियल, जो आपको ब्लैंकेट वाला मटेरियल मिलता है ना, ब्लैंकेट जिसका होता है वो ही कपड़ा है इसका। एंड बहुत सॉफ्ट है, ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी हार्श नहीं है, इतना सॉफ्ट है पकड़ने में भी। तो मेरी तरफ से तो आप इसको खरीद लो यार आंख बंद करके, क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। इसका ब्रांड नेम है कलर कैपिटल, और ये मैंने मीडियम साइज़ में लिया था। मीडियम साइज़ में भी मुझे परफेक्ट आ रहा था। आई डोंट नो, ग्रे कलर और जो बेसिक कलर्स होते हैं ना, वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनको आप बहुत तरीके से स्टाइल कर सकते हो एंड बहुत चीज़ों के साथ स्टाइल कर सकते हो। तो मैं ग्रे, ब्लैक, न्यूड, ऐसी चीज़ें, वाइट, ऐसे मैं देखती रहती हूँ। एंड मुझे ये ज़्यादा पसंद आया। इसमें आई थिंक एक दो ही कलर्स अवेलेबल थे, मैंने ग्रे चूज़ किया। एंड बहुत ही सॉफ्ट है। अच्छा, आपने सोच रहे होंगे कि अंदर से भी फ़र है। नहीं, अंदर से फ़र नहीं है, ऐसा कुछ आपको दिखेगा, लेकिन बहुत सीरियसली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इसको भी आप सर्दियों में आराम से पहन सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोडक्ट जो है मेरा फेवरेट है, एंड वो है नाइट सूट, विंटर नाइट सूट मीशो से, जो कि है ये फर वाले मटेरियल में। एंड ये थोड़ा सा प्रिंटेड है, मतलब पूरा ही प्रिंटेड है थोड़ा क्या। एंड अब तक आपने मेरी वीडियो जो देखी होंगी पिछली वाली, उससे तो आप समझ ही गए होंगे कि आई एम ऑब्सेस्ड विद मीशो नाइट सूट। मीशो के नाइट सूट्स की क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है, विंटर नाइट सूट की, जो ये फर वाले होते हैं। और आई लिव इन दिस टाइप ऑफ नाइट सूट। सर्दियों में मुझे और कोई कपड़े अच्छे ही नहीं लगते, मुझे ऐसे अच्छे लगते हैं। ये है वो नाइट सूट, चलो दिखा देती हूँ आपको। ये है उसका अपर पोर्शन, जिसपे कि आपको ये फ्लावर्स मिलेंगे वाइट कलर के, और पीचेस बने हुए हैं पूरे उस पर, एंड लिखा भी हुआ है पीच ऐसे जगह जगह पे। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। थोड़ी सी ना ऐसे वर्टिकल वाली भी डिज़ाइन इसमें इन बिल्ट है, जो कि मैंने जो दूसरे नाइट सूट पहले दिखा रखे हैं उनमें ऐसा नहीं है। एंड ये है इसका लोअर। पहले मैं एम साइज़ लेती थी, लेकिन फिर मैंने एल साइज़ लेना स्टार्ट कर दिया। मुझे लगा थोड़ा ओवर साइज़ सही रहेगा, एम थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है मेरे लिए, तो मैंने एल साइज़ लिया है। एंड एल तो परफेक्ट आता है। ये भी बहुत अच्छा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्लोई है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। बस इसमें एक चीज़ मुझे जो लगी वो मैं बता दूंगी। मैंने जितने भी नाइट सूट अब तक खरीदे हैं मीशो से, मुझे इसका थोड़ा सा हल्का कपड़ा लगा। आई मीन 19 पीस का अंतर है उनमें और इसमें, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा है। एंड बेस्ट पार्ट इज़ कि अंडर 500 था, तो अंडर 500 आपको पूरा एक नाइट सूट मिल रहा है, तो एक कहीं भी नहीं, ये मीशो पे ही मिल सकता है। बस इसमें मुझे एक चीज़ सही नहीं लगी, वो ये कि इसमें पॉकेट्स देनी चाहिए थी इनको। मुझे पॉकेट्स वाले नाइट सूट काफ़ी अच्छे लगते हैं, या तो इसमें देते या फिर इसमें देते, बट किसी में नहीं है। अदरवाइज़ ये बहुत ही क्यूट नाइट सूट है। इसमें कलर्स भी अवेलेबल हैं 4-5, जो कि आप चेक कर सकते हैं। मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पाउडर ब्लू सा कलर है एंड इस पे जो पीचेस बने हुए हैं। एंड यार, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। ये था मेरा पूरा विंटर वेयर हॉल फ्रॉम मीशो। सबके लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड मैं आपको नेक्स्ट, हाँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू।